सर्कुलेट करती है पूरे मेटल स्ट्रक्चर पर से, तो उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है और इतना क्विकली नहीं रिप्लेस किया जा सके। इस वजह से ही 2000 की नोट सरकार ने लाई थी कि कम से कम उसको रिप्लेस करा जा सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा करेंसी का अमाउंट है, परसेंटेज अमाउंट है। और दूसरी बात जो क्या कहते हैं, जो पैसा सर्कुलेट कर रहा है ब्लैक मनी हमारा सर्कुलेट कर रहा है, कम से कम 2000 करोड़ पे नोट मार्केट में, 2000 करोड़ पे नोट, और उसमें से 1200 करोड़ पे नोट्स पाकिस्तान से आए थे जो तो जितनी फेक नोट्स है वो एलिमिनेट हुई है इससे, जिसकी वजह से हमारा आगे जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकता है, जीडीपी रेट बढ़ सकता है। और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, अभी लगभग 1.5 लाख करोड़ नोट्स डिपॉजिट हो गए बैंकों में, तो इसका समाधान इस तरह से था कि मतलब जो एटीएम है वो कैलिब्रेट नहीं किए गए थे, उसमें भी 2000-2500 करोड़ नहीं डाले जा सके। अब 15% करेंसी हमारे 100, 50, 20, 10 ऐसे हैं, तो उनको इतनी कम करेंसी लेके डिमांड बहुत ज़्यादा है, और हमारा खुदा व्यापार उसमें सारा काम कैश पर होता है, ट्रांसपोर्टेशन में सारा काम कैश पर होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी हो गया है, जहाँ सामान पहुँचता है, आता है, जाता है।